हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने स्टैक में आपको बताया था, जब आपने स्टैक किया था, कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होता है, ये नोटेशंस क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इनफिक्स क्या होता है। इनफिक्स नोटेशन के अंदर आपका ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में आता है, इन बिटवीन आता है। जैसे ए प्लस बी आपके क्या है, ए क्या है आपका, ए एंड बी आपके ऑपरेंड है, एंड प्लस आपका ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड्स के इन बिटवीन आया है, बीच में आया है। तो ये कौन सा नोटेशन हुआ आपका, इनफिक्स नोटेशन। नेक्स्ट आपका हुआ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है। जैसे मैंने अगर लिखा प्लस ए बी, तो यहां पे प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ए बी आपका ऑपरेंड है। ओके, तो यहां पे ये से पहले आया है। अब हमारा आया पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आता है, आफ्टर द ऑपरेंड। अगर मैंने लिखा ए बी प्लस, तो यहाँ पे ए बी क्या है आपका, ऑपरेंड है, प्लस आपका ऑपरेटर है ये। और ये कब आया है, ऑपरेंड के बाद आया है। और हमें किसके एग्जांपल करने हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, राइट। इनफिक्स क्या है, ए प्लस, जो ये एग्जांपल देख लो, जहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है, इन बिटवीन होता है। आप पोस्टफिक्स आपको करना है, तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा आपका, आफ्टर द ऑपरेंड। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वन बाय वन। अब एग्जाम्पल्स देखने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर चीज़ समझनी होती है, कि यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी, प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी ऑपरेटर्स की, राइट। तो मैं पहले आपको कुछ प्रेसिडेंस यहाँ पे समझा देती हूँ। कुछ प्रेसिडेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स के अंदर, तो हम प्रेसिडेंस को फॉलो करेंगे। तो प्रेसिडेंस को फॉलो करेंगे तो सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है आपकी ब्रैकेट की, राइट। ब्रैकेट के बाद आपका आता है एक्सपोनेंशिएशन, राइट। ये आपका एक्सपोनेंशिएशन हो गया, ओके, दैट इज पावर ऑफ। फिर आपका आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न, राइट। और अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न सेम, दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, तो यहाँ पे आप चलेंगे लेफ्ट टू राइट। जो भी लेफ्ट में आया होगा वो पहले सॉल्व होगा, ओके, देन राइट वाला, राइट। अब आपका नेक्स्ट आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। अब एग्जांपल्स अपने स्टार्ट करते हैं, राइट। लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में पहले मैं इजी से एग्जांपल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया ए प्लस बी, राइट, ये मेरा इनफिक्स नोटेशन है, इनटू सी, राइट, डिवाइडेड बाय डी, ओके। तो ये मेरा क्या है, इनफिक्स नोटेशन है, इसको मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूँगी, फाइन। अब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फाइन। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ए बी और प्लस कर दिया, राइट, ए बी प्लस, राइट, ओके। और आपका ये यहाँ पे क्या आ गया, इनटू सी डिवाइडेड बाय डी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ओके। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आप देखेंगे, ये आपका क्या बन गया, मान लो ऑपरेंड ए, ये आपका ऑपरेंड ए है, ठीक है, और ये आपका ऑपरेंड बी है, राइट, ये ए है एंड ऑपरेंड बी है। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, ऑपरेंड ए लोगे, ओके, ये आपका ऑपरेंड ए है, ओके, एंड दिस इज योर ऑपरेंड बी, और आपका बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो अब क्या होगा, ऑपरेंड ए आ गया, ऑपरेंड बी आ गया, ओके, एंड आपका मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा यहाँ पर, फाइन। ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ओके, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जा रहा है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ओके, ए बी प्लस आ गया, क्योंकि पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आता है, ये इंटरनल आपका सॉल्व हो गया। अब ये क्या बन गया, ये आपका ए बी प्लस आपका क्या बन गया, ए, और आपका सी बन गया बी, ओके, एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया। अब आपका ए बी प्लस सी और आपका इन बिटवीन जो था मल्टीप्लीकेशन, वो आपका क्या आ गया, आफ्टर द ऑपरेंड आ गया, फाइन। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, अब देखो अब ये आपका क्या है, एक ऑपरेंड है ठीक है, और ये आपका सेकंड ऑपरेंड है डी, और ऑपरेटर क्या है डिवीजन, राइट। तो आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन, ये आपका एक ऑपरेंड आ गया, फिर आपका आ गया डी सेकंड ऑपरेंड, एंड फिर आपका आ गया डिवीजन। ओके समझ आया, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल, फाइन। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इससे बड़ा एग्जांपल लेंगे, फाइन। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी राइट इनटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ई प्लस एफ ओके इनटू जी माइनस एच राइट, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी डिवाइड ओके ई प्लस एफ इंटू जी माइनस एच, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइन सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या, ये इसमें हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसको हो गया ए बी प्लस राइट, देन इंटू इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ सी ए बी प्लस इंटू सी प्लस डी आपका एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय आ गया आपका राइट। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर, आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस आया है और आपका मल्टीप्लिकेशन आया है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आएगा ई राइट प्लस और एफ जी एंड मल्टीप्लिकेशन राइट। हमने यहाँ पे किसको सॉल्व किया है, इसको किया है सॉल्व, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है राइट, एंड माइनस एच ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और इस ब्रैकेट को भी आधा सॉल्व कर लिया है राइट ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखो अब ए बी क्या है, आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है ओके। अब मैंने यहाँ पे ए बी को क्या माना है, एक्स, और सी मेरा क्या है, एक्स मान लो या ए मान लो, ये आपका ए ऑपरेंड हो गया, ये आपका बी ऑपरेंड हो गया ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे ए बी प्लस एंड सी मल्टीप्लिकेशन राइट, आपका ये हो गया, इतना आपने सॉल्व कर लिया इसके साथ, ये इतना आपका सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, ये आपका सॉल्व हो चुका था, ये आपका ऑपरेंड ए बन गया, ये आपका ऑपरेंड बी बन गया, हमने ए इंटू बी को सॉल्व किया है, ए यहाँ पे ए बी प्लस सी राइट। इसको हम ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं आपको ब्रैकेट में ले लेती हूँ उसको, ठीक है। ये हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया राइट, इतना पार्ट आपका सॉल्व हो गया फाइन। अब हमने किया यहाँ पे डी ओके डिवाइडेड बाय ओके, और यहाँ पे आपने किया ई, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आपका ई क्या है, एक ऑपरेंड है, एंड एफ जी मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, दूसरा ऑपरेंड है, और प्लस ऑपरेटर है, तो हम करेंगे यहाँ पे ई ठीक है एफ जी मल्टीप्लिकेशन का आपका साइन आया हुआ है, अब आगे आ जाएगा प्लस, ये वाला जो प्लस है अब ये यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। समझ आया कैसे आया, क्योंकि एक हमारा ऑपरेंड ये है, इसको मान लो ए, इसको मान लो, इस पूरे को मान लो बी, तो हमने ए को लिखा बी को लिखा, और फिर जो इन बिटवीन प्लस था वो हमारा यहाँ आ गया राइट, और हमारा बाहर क्या है माइनस एच ओके, ये हो गया हमारा फाइन। अब नेक्स्ट ओके नेक्स्ट हमारा ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करेंगे, ए ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन आपका हाँ प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस
ठीक है, और डी डिवाइड। तो डिवाइड वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी प्रिसिडेंस जाता है। तो अब यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटर ए हो गया, राइट, और ये हमारा ऑपरेटर बी हो गया, ओके। डी हमारा क्या हो गया, ए, सॉरी ऑपरेटर कह रही हूँ, ऑपरेंड, डी आपका ऑपरेंड ए हो गया और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ले लिया डी, राइट, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये हमारा सेम है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे आप ई एफ जी, राइट, आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन और प्लस का साइन, राइट, और यहाँ पे जो डिवीज़न था, डिवीज़न वो यहाँ आ जाएगा, डिवीज़न, ओके, माइनस एच, समझ में आया। यहाँ पे जो ये डी था इसको हमने ऑपरेंड ए मान लिया, और ये जो हमारा सॉल्व हो चुका था ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी और दिस कंप्लीट, ये हमारा ऑपरेंड बी हो गया, और इसके बीच में हमारा ऑपरेटर क्या था, डिवीजन, जिसे हमें सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, ऑपरेटर ए, देन ऑपरेटर बी, और फिर उसके बाद आपका डिवीजन, राइट, ओके। अब आपका इतना हो गया। अब देखो, अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है, ये पार्ट सॉल्व हो चुका है और ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये बन गया हमारा ऑपरेंड ए, ठीक है, और ये हमारा बन गया ऑपरेंड बी, इतना पार्ट ये हमारा बन गया ऑपरेंड बी, और इनके बीच में ऑपरेटर क्या है, प्लस। अब हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ए बी प्लस सी, ये हमारा ऑपरेंड ए है, राइट, ये हमने ऑपरेंड ए ले लिया। अब ऑपरेंड बी लेंगे, डी ई एफ जी मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, और अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस, प्लस को आपको सॉल्व करना है, ये आपका आ गया प्लस, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट था, ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया, इसको मैं सिंपली ब्रैकेट में इसलिए डालती हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, और माइनस एच कर दिया, राइट, हो गया, इतना हो गया, ओके। अब ये पूरा आपका बन जाएगा ए, और ये बन जाएगा आपका बी, ऑपरेंड ए बी, और आपका इन बिटवीन क्या आया है, माइनस आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डी ई एफ जी इंटू, कॉपी भी कर सकते थे आप ऊपर से, प्लस ओके डिवीज़न, अगेन आपका प्लस, फिर आपका एच आया, एंड देन आपका माइनस आ गया। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थ्री, राइट, यहाँ पे मैंने लिया नॉट ए, नॉट क्या है, मेरा ऑपरेटर है, ए मेरा ऑपरेंड है, और क्या है आपका ऑपरेटर, और नॉट बी एंड नॉट सी, राइट, ये हमने ले लिया, ये आपका नोटेशन आ गया यहाँ पे, फाइन। अब देखो इसके अंदर, पहले आप देखो यहाँ पे प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस क्या है, नॉट सबसे पहले सॉल्व होएगा, ओके, उसके बाद एंड आपका सॉल्व होगा, और उसके बाद आपका और सॉल्व होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, नॉट एंड और आते हैं, राइट, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये आपका नॉट ए था, राइट, तो यहाँ पे आपका ऑपरेंड पहले आ जाएगा ए, और ऑपरेटर आपका बाद में चला जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, राइट, और ओके। अब जो आपका सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में भी आपका यही सेम होगा, पहले हम नॉट को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर आपका बी पहले आ जाएगा, ऑपरेंड आपका पहले आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा नॉट, ओके, एंड देन आपका एंड, और यहाँ पे हमारा सी आ गया, और नॉट आपका बाद में चला गया, ठीक है। हमने ये क्या किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ओके। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप ए नॉट, और अभी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, एंड की है, तो और को बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, ए, और ये क्या बन गया आपका बी, ठीक है, तो ए बी, और उसके बाद आ जाएगा आपका एंड, राइट,
तो ये आपका हो गया बी नॉट एंड सी नॉट और आपका आ गया ए एन डी एंड, राइट, ये आपका आ गया ए एन डी एंड ये ब्रैकेट। अब देखो, अब ये आपका ए बन गया ए ऑपरेटर और ये आपका बी ऑपरेटर बन गया, राइट। अब आपको बीच में आपका ऑपरेट सॉरी ये आपका ए ऑपरेंड बन गया, ठीक है, और ये आपका बी ऑपरेंड बन गया और आपका ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, और अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, ए नॉट ऑपरेटर सॉरी ऑपरेंड आ गया आपका ये वाला ऑपरेंड, फिर आपका ये वाला ऑपरेंड आ जाएगा और उसके बाद आपका और आ जाएगा, ठीक है, बी नॉट राइट सी नॉट एंड और, ओके, ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।